हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जॉबलेस फैमिली में। दोस्तों, एसएससी की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया है, आज हम वही नोटिस देखेंगे। यहाँ पर जो एसएससी की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, यहाँ पर एसएससी का जो सीजेसएल 2017 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसका टायर टू का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। आप सभी देख सकते हैं, ये जो लिंक है यहाँ पर से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। और एक और है जो कि जो वैकेंसी था टायर, मतलब 2017 का जो वैकेंसी था, उस वैकेंसी वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, देर नहीं करते हुए चले शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले अगर हम रिजल्ट की तरफ देखें, तो यहाँ पर इस पीडीएफ का अगर आप डाउनलोड करेंगे, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के साथ साथ एक ऐसे तरीके से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 15/7/2018 को यहाँ जो टायर टू का एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसका रिजल्ट कोर्ट के केस के कारण अभी डिले कर दिया गया था, तो अभी पब्लिश कर दिया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो 1427 कैंडिडेट हैं, वो सिलेक्टेड हुए हैं डीईओ के लिए, जो डिपार्टमेंट है सीएनएजी में। उसके बाद 229 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए, जो कि अदर देन जो सीएनएजी डिपार्टमेंट है उनके लिए। और 33,967 कैंडिडेट को क्वालिफाई किए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क। तो यही एक चीज़ बोला गया है। तो यहाँ पर कटअप की तरफ देखें, जो लोग सीएनएजी में सिलेक्टेड हुए हैं, तो उनके लिए कटअप बोला जा रहा है एससी के लिए 210.55। दोस्तों, ये जो कटअप है टायर वन और टायर टू मिला के कटअप तैयार किया गया है। उसके बाद देखें तो एसटी के लिए है 206.5, उसके बाद ओबीसी के लिए 224.5, सो यूआर के लिए 227.5। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, तो यहाँ पर है जो सीएनएजी छोड़ के जो और डिपार्टमेंट है उनके लिए, तो एसटी का कट ऑफ गया है यहाँ पर 215.5, ओबीसी का 237, सो यूआर का 239 यहाँ पर कट ऑफ गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो जो लोअर डिविजन क्लर्क है, तो उनके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कट ऑफ गया है टायर वन और टायर टू मिला के एससी के लिए 174.5, एसटी के लिए 167.00, ओबीसी के लिए 192 और यूआर के लिए 199 यहाँ पर कट ऑफ गया है। तो यही एक चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से बोला गया है। तो दोस्तों, उसके बाद देखते हैं जो वैकेंसी टेबल यहाँ पर दिया गया था, मतलब टेंटेटिव वैकेंसी का जो पीडीएफ दिया गया है, उसको देख लेते हैं हम। तो पहले चले आइए एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके आने के बाद जो लेटेस्ट न्यूज़ ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पर जो पहले जो नोटिस ब्लिंक कर रहा है, उसको क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। तो ऐसा एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है कि कुल कितने वैकेंसी हैं, तो अगर आप इसके पीडीएफ के नीचे आएंगे, तो यहाँ पर टोटल करके दिया गया है। यहाँ पर जो दिया गया है, जो एलडीसी जेएसएन जेपीए के लिए था, उनके लिए टोटल वैकेंसी है 2587, ये टोटल वैकेंसी है। उसके बाद पी एन एस सी के लिए 3267 ये वैकेंसी है। और जो डी ई ओ के लिए यहाँ पर 41 यहाँ पर वैकेंसी रखा गया है। तो दोस्तों, यही टोटल यहाँ पर वैकेंसी रखा गया है 2017 के सी जे सेल के लिए। किसी भी गवर्नमेंट जॉब का रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल पस के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।